तो कैसे हो आप सब भैया? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल चौहान, आप देख रहे हैं मुझे, मैं देख रहा हूं कैमरे के लेंस में दूर दूर तक आप सभी लोगों को। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शहर जनसेवा केंद्र की आईडी अगर आप किसी मीडिएटर थ्रू लेते हैं या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा लेते हैं या किसी अदर मीडियम से लेते हैं तो आपको काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लगभग 15,000, 10,000, अलग अलग अमाउंट हो सकता है। आप लोग जैसा कोई मांग देता है उस टाइप का आपको पैसे देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट भी आपको कुछ देना पड़ता है। तो इन सब तरीकों से बच करके आप डायरेक्ट कंपनी से सहज आईडी को पैसे ले सकते हैं और वो भी कम खर्च में, 5,000 के आसपास, 5 से 10,000 के बीच में आपको ये आईडी मिल जाएगी। तो कैसे आपको सहज आईडी लेनी है विदाउट एनी किसी अदर मीडिएटर के द्वारा, डायरेक्ट कंपनी से आपको कैसे सहज आईडी लेनी है, तो आप वीडियो को पूरा फुल ध्यान से देखते रहिए फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की जब भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। और वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की मैं टेक्स्ट रिलेटेड और सीएस रिलेटेड वीडियो हर रोज पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं सहज मित्र बनने के लिए यानी कि सहज की आईडी लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपके क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपके पास रिक्वायरमेंट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बता देते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। आपके पास कम से कम 10th क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आपके पास एक लैपटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, आपके पास एक शॉप होनी चाहिए गुड लोकेशन, अच्छी लोकेशन में, और प्रिंटर एक ऑल इन वन जिसमें कलर्ड प्रिंट आउट और ब्लैक एंड वाइट और स्कैनिंग सारा कुछ उसमें होता हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑल इन वन प्रिंटर होना चाहिए। इसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आपके पास हॉटस्पॉट फ़ोन का या आपके पास कोई अलग से राउटर या ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए। और इसके बाद और भी काफ़ी एक्स्ट्रा मशीनरी होती हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं और उनको परचेज भी कर सकते हैं। अब हम बता देते हैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है फ्रेंड्स। इसके लिए मैं एक वेबसाइट पर ले जाता हूं आपको, इसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से जाकर के इसको ओपन कर सकते हैं। ये वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है, इस पॉपअप को हम कट कर देते हैं। पर फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स शो हो रहा है एंटिटी टाइप, यहां पर आपको इंडिविजुअल ही रहने देना है। इसके बाद में यहाँ पर SM कैटेगरी जो लिखी हुई है, यहाँ पर आपको सहज मित्र, यहाँ पर जो SM कैटेगरी लिखी हुई है यहाँ पर आपको सहज मित्र चूज कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर स्कीम ऑप्टेड फॉर, इस वाले ऑप्शन में आपको अपना एरिया चूज कर लेना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर रूरल, अदरवाइज शहरी क्षेत्र हैं तो यहाँ पर अर्बन चूज कर लेना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम दे देना है। यहाँ पर सबसे पहले आपका सरनेम जो भी टाइटल है मिस्टर मिसेस सेलेक्ट कर देना है आपको। यहाँ पर आपको अपना नाम दे देना है, ABC जो भी आपका नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मिडिल नेम जो भी आपका नाम है मिडिल में, इसके बाद में लास्ट नेम नाम का जो भी पार्ट है वो दे देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देना है। यहाँ पर आपको जेंडर दे देना है अपना, मेल फीमेल जो भी है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेट देना है, सिंगल मैरिड जो भी है वो दे देना है आपको। फिर यहाँ पर नेशनैलिटी दे देना है इंडिया। यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर दे देना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो नंबर यहाँ पर आपको दे देना है। फिर इसके बाद में वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वेरीफाई करवाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर वेरीफाई नहीं करवाऊँगा, मैं आपको ओनली एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आप यहाँ पर अपना नंबर डाल करके और वेरीफाई पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पर OTP आ जाएगा और OTP को आपको सबमिट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर मेल आईडी डाल देना है और मेल आईडी डाल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो मेल पर OTP जाएगा, फिर उसको वेरीफाई करवा लेना है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर गार्जियन डिटेल यहाँ पर फिल कर देना है, जो भी मदर फादर हैं आपके उनका नाम यहाँ पर दे देना है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम ये आपको फिल कर देना है। रिलेशनशिप में आपको फादर सेलेक्ट कर देना है, फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपसे बैंक डिटेल और एड्रेस पूछा जाएगा आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे एड्रेस पूछा जाएगा तो आपको अपना एड्रेस दे देना है और बैंक डिटेल में आपको बैंक की अपनी डिटेल फिल कर देनी है। ठीक है, रेफरेंस में आपसे रेफरेंस, अगर आपने किसी को आपको किसी ने रेफरेंस दिया है तो आपको उनका नाम दे देना है, अदरवाइज आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, जैसे कि आधार, बैंक पासबुक और पैन कार्ड, और फोटो आपको अपलोड कर देना है यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो लगभग 2 से 3 दिन में आपके पास में सहज की तरफ से एलिजिबिलिटी के लिए यस या नो में आपका रिप्लाई आ जाएगा कि आपके एरिया में लोकेशन अवेलेबल है या नहीं है सहज के लिए। अगर लोकेशन अवेलेबल होती है तो आपके पास मेल या मैसेज के द्वारा आपको सहज नोटिफाई कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी एलिजिबिलिटी आती है, अगर आपके एरिया में लोकेशन अवेलेबल होती है, तो आप इसका पेमेंट कर देते हैं, और पेमेंट कर देने के बाद में आपको कुछ दिन में इसकी आईडी सहज प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, सहज आईडी आपको लगभग 10 से 15 दिन में आपको मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात का फ्रेंड्स आप ध्यान रखें, अगर आपकी एलिजिबिलिटी आती है, यस में आती है, तो आपको सबसे पहले तो वेबसाइट को वेरीफाई कर लेना है। इस वेबसाइट को, जो ये सिक्योर्ड वेबसाइट है फ्रेंड्स, retailsahaj.co.in registrations, इस वेबसाइट से ही आपको पेमेंट करना है, अदर किसी भी मेथड से आपको पेमेंट नहीं करना है। और इसके अलावा आप किसी को भी पेमेंट हार्ड कैश किसी को भी ना दें, वेबसाइट से ही ऑनलाइन पेमेंट करें, और वेबसाइट पर पेमेंट करते टाइम वेबसाइट का URL जरूर से चेक कर लें। वेबसाइट सिक्योर्ड होना चाहिए और वेबसाइट ऑफिशियल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेमेंट करते टाइम इस बात का ध्यान जरूर से रखें। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। फिर मिलते हैं, मिलकर चिल करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।